नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं घर पे ही बैठा हूँ, लेकिन गांव से निकलते ही हमारे ये दुकान है जहाँ पे हम बैठते हैं कभी कभी। और आज बहुत दिन हो गया है वीडियो बनाए हुए, और कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ, तो सोचा कि कुछ बना लेता हूँ आज। तो मैं आज आपको अपने आसपास का इलाका दिखाऊंगा जो कि बहुत ही खुफिया है। ये वो दुकान है हमारे गांव का जहाँ पे आपको जरूरत के सामान मिल जाएंगी। अभी दुकानदार तो गायब है फिलहाल। यहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता आ जाता है जो इस इधर से निकलता है, और ये स्कूल है इंग्लिश मीडियम जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। और इसी स्कूल से लगा है ये हमारे अमन भाई का गिमटी है, जहाँ पे आपको ये स्कूल के हिसाब से सब सामान मिल जाएंगे। ये हमारे अमन भाई बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं अब यहाँ 10-15 मिनट बैठूंगा, उसके बाद फिर लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं अब निकल चुका हूँ जहाँ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अभी। और रास्ते में जो कुछ मिलेगा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये पंचायत भवन है, उत्तरेथु विकासखंड टांडा अम्बेडकर नगर का, यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है, लेकिन आज ये बंद है। वैसे डेली बंद रहता है, सभी रोगों की बस एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। और इसी पंचायत भवन से सटा ये तालाब है जिसे नलाहवा ताल बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर है ये। इसे मत्स्य पालन भी होता है। वैसे बारिश नहीं हुई इस बार तो तालाब कुछ सूखा सूखा सा दिख रहा है। तो आइए आप लोगों को लेके चलता हूँ आज उस खुफिया जगह पे। ये हमारी अपाची है जिसको मैं बड़े शान से चलाता हूँ। ये मैं दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूँ जो कच्ची है और शॉर्टकट है, तो रास्ता थोड़ा गड़बड़ है लेकिन नजदीक है। आते समय दूसरे रास्ते से आऊंगा। मैं डेली ब्लॉगिंग करने का सोच रहा था, लेकिन सोच रहा था क्या दिखाऊंगा क्या बताऊंगा। हाँ, लेकिन अब कुछ करना तो पड़ेगा, तो मैं आ गया हूँ अब उस स्थान पर जिसे लोग शहीद बाबा के नाम से जानते हैं। जहां से मैं अभी भी आया हूँ इस पीछे वाले रास्ते से, तो देखिए कितना घना है। यहाँ घुसने में भी डर लग रहा है, लेकिन क्या बताऊं, आप लोगों को दिखाना है जो कि ये आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा। ये दूसरा वाला गेट यहाँ है, और ये नल है, पानी की सुविधा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ही खतरनाक है ये, और खुफिया भी है, लेकिन शहीद बाबा का मजार है ये जहाँ मैं आया हूँ। पहले मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ शहीद बाबा को, फिर उसके बाद बनाता हूँ वीडियो। ये गेट है, यहाँ से एंट्री है, और ये शहीद बाबा है यहाँ इनकी बड़ी मान्यता है। यहाँ पे आप मलेदा चढ़ाएंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसे ही चर्चाएं हैं, और ये काफी घना जंगल है,
और आज पता नहीं कब से है, मुझे भी नहीं पता है, हमारे बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ इस जगह को। लेकिन जैसा कि मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ कोई है रहता भी नहीं है, बहुत ही खतरनाक जंगल है। और मैं आप लोगों को अभी अंदर ले चलता हूँ, अपनी अपाची यहीं खड़ी किया हूँ। लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से चलते हैं। जहाँ से मैं पहले आता था, जब जानकारी नहीं थी, यहाँ लकड़ियाँ काटने आता था। ये रास्ता है जो पहले था, देखो लकड़ी गिरी हुई है। ये सब मैं पहले काटने आता था जब बचपन में था। ऐसा जंगल आपने कभी नहीं देखा होगा जो हमारे गांव के ही पास में है। ये फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही भूतिया, बहुत ही खतरनाक। मैं ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं कर सकता, मुझे खुद डर लग रहा है। पहले तो आता था तब नहीं डर लगता था, लेकिन अभी बड़ा हो गया हूँ तो ज्यादा डर लगता है। वैसे मैं आप लोगों को आगे का सीन बिना बताए हुए दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा पूरा। ये ढाक का पेड़ है जिसका पहले पत्तल बनता था, लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा इधर ढाक ही ढाक है। ढाक का पेड़ से बहुत कम मिलता है। ये शहीद बाबा में है और शहीद बाबा के पीछे का जंगल है पूरा। बहुत ही बड़ा जंगल था ये, लेकिन अभी ये थोड़ा कट पिट गया है क्योंकि तरक्की हो रही है। ये देखो ये पेड़ है ढाक का।
ये गड़रा काटा गया है या कुछ लोग गड़रा काट रहे हैं, जिससे मुझे राहत मिली थोड़ा बहुत। और राहत मिल गई है तो थोड़ा बोल भी देता हूँ। ये तालाब है पीछे जो खुदाई हुई है, इसमें पानी तो नहीं है, बरसात हुआ ही नहीं है तो पानी कहाँ से रहेगा इस बार। तो देख सकते हैं कितना लंबा है, बहुत ही दूर में है ये सब। ये हमारे बगल में था गांव के, तो मैं सोचा कि इसके बारे में ही आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप यहाँ घूमने टहलने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि नो रिस्क नो बेनिफिट। और अभी दोपहर के 12 बजे हैं, बिल्कुल करेक्ट टाइम है रिस्क लेने का। वैसे यहाँ रास्ते हैं आने जाने के लिए, इससे यहाँ खतरनाक खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। अभी जंगल है तो जंतु जीव जंतु मिलेंगे ही। अभी अंदर जाने का हिम्मत तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने हैं तो देखना, ये बहुत ही बढ़िया इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ खर्र खर्र की आवाज आ रही है। अभी मैं बीच में थोड़ा आ गया हूँ जहाँ रास्ता नहीं है, तो सब पेड़ गिरे हुए हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पहले लकड़ियाँ काटने आता था, लेकिन आज भी ये जंगल वैसे के वैसे है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो मैं आप लोगों को दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, वहीं शहीद बाबा से मजार के थोड़ा साइड में, वहां साइड में क्या है आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ बना हुआ है तो बने रहिए आप हमारी वीडियो से, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये रिस्क आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है। देखिए कितना खतरनाक जंगल है ये सब पूरा, तो आइए ले चलते हैं आपको। तो उस रास्ते में जो कुछ मिलेगा आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा गांव यहाँ से तो 1.5-2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये हमारे दिमाग में बहुत दिन से आ रहा था बनाने के लिए ये वीडियो, लेकिन बनाया नहीं, क्योंकि खौफ नाम दिल और दिमाग में भरा जाता है। ये तेनू है, इसके फर आप देख सकते हैं बिल्कुल नींबू की तरह है। और ये पता नहीं क्या है, एक ही में है काले लाल और हरे। देखिए इसको आप काले जामुन कह सकते हैं या काले अंगूर कह सकते हैं, लाल अंगूर कह सकते हैं, सब प्रकार के हैं, लेकिन ये अंगूर नहीं है।
तो आइए फिर चलते हैं दूसरे वाले रास्ते से। साइकिल को मैंने लॉक किया था, ये लॉक था तो साइकिल बची है। दूसरे वाले इस वाले रास्ते से आया था, इस वाले से चल रहा हूँ, दिखाऊंगा आप लोगों को जो मिलेगा। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन मजेदार है और बढ़िया है। ये वाला दूसरा गेट है, इधर से आने पर ये पहला होगा, उधर से जाने पर ये दूसरा होगा। यह खेत है, हमारे गांव का ही खेत है सब ये, लेकिन पड़ती है, बारिश हो ही नहीं रही है तो कुछ लोग बैठा ही नहीं धान, अभी धान का सीजन है, धान खेती देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों और आते समय रास्ते में कुछ मिला नहीं और मैं अपने गांव के करीब आ गया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बरसात हुआ नहीं इस बार, बरसात जो होता तो गर्मी कम होती।